बिहार की राजनीति में गुरुवार को कुछ हुआ जो सरकार और राजनीति के लिए काफी अहम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अनोखा फैसला करते हुए पश्चिम चंपारण के बितहिरवा कन्हैया कुमार और कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान की संविधान बचाओ नागरिकता बचाओ यात्रा को निकालने की इजाजत दे दी और साथ ही सभा भी करने दिया। इससे पहले जिला प्रशासन ने इस यात्रा को रुकवा कर सभी को हिरासत में ले लिया था और इसके बाद वहां काफी ड्रामा हुआ। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी ने एक दिन पहले ही इस यात्रा की अनुमति दे दी थी, लेकिन बाद में प्रशासन ने अपने ही फैसले को पलटते हुए सभी को आदेश दिया कि जहां जगह से यात्रा शुरू होनी है वहीं से जिले से बाहर चले जाएं। कन्हैया कुमार और शकील अहमद सहित सभी लोग गांधी आश्रम में धरने पर बैठ गए और उनका आरोप था कि स्थानीय सांसद और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के इशारे पर हो रहा है। लेकिन गुरुवार को जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पूरे घटनाक्रम की खबर मिली, उन्होंने अधिकारियों को जमकर डांटा और साफ साफ कहा कि विरोध और आंदोलन करने का सबको अधिकार है, प्रशासन का काम है कि वो सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करे। नीतीश का ये संदेश जैसे ही जिलाधिकारी को मिला, आयोजकों के मुताबिक उनके सुर बदल गए और आंदोलनकारियों की सुरक्षा भी बढ़ गई। इतना ही नहीं, जहां जहां सभा निर्धारित थी वहां भी शांति बनी रही। इसके बाद कन्हैया कुमार और शकील अहमद खान ने नीतीश कुमार को धन्यवाद कहते हुए कहा कि बीजेपी की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई, लेकिन बीजेपी के नेताओं का मानना था कि जो भी हुआ गलत हुआ और इस नीतीश कुमार के फैसले से वो हैरान नजर आए। लेकिन इस घटनाक्रम से फिर साबित होता है कि बिहार में सरकार के बॉस नीतीश कुमार ही थे और हैं। SPN9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।